हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड, जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने पहले अगर आपने चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर तो आपको मेरे चैनल के इंटरफेस को इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जो बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो वो रेगुलरली बनाता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट जो देखने को मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो यहाँ पे NIT वारंगल की तरफ से जो है यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है रिक्रूटमेंट की, जो कि फैकल्टी रिक्रूटमेंट है। तो अगर आप यहाँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर के लिए 29 टोटल नंबर पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 50, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड वन के लिए 12, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड टू के लिए 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 17 मार्च, और डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जो है आपको वहाँ पे www.nitw.ac.in पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसके इंटरेस्टेड तो आप इसे अभी आज या कल ही आप जो है इसके लिए अप्लाई कर दीजिए इसके। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये हर एक चीज़ जो है वो ओपन करके पढ़नी पड़ेगी, क्या क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए, पूरा इन्होंने अच्छे से बता रखा कि आपका किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, साथ ही पे लेवल और कितना वैकेंसी हर ईच कैटेगरी में, वो भी यहाँ पे क्लियरली मैंसन कर रखा है। तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन भी क्लियरली मैंसन कर रखा कि आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे जो है आपको क्या आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, तो ये भी आप जो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का भी यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में दे रखा है कि आपको कैसे फिल करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा जो है आपको क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, टिल टाइम टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ पे अगर आप रजिस्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली आप जो है यहाँ पे न्यू जो रजिस्ट्रेशन पे जाके जो है आप यहाँ पे क्लियरली जो है अपना जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट का फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल टाइम टेक केयर, बाय बाय।